मुर्गी से हो रही है लड़ाई मुर्गे की। मुर्गी भी बहुत अच्छी है हमारी। मुर्गी बहुत मारेगी इसको। मुर्गी को तू परेशान कर रहा है छोटी। अभी खोला है मैंने इस मुर्गी को। हाँ देखो कितनी प्यारी सी मेरी मुर्गी है, मेरी क्यूटी मुर्गी। बहुत परेशान कर रहा है ये बेबी को। मुर्गा आ जाओ। हाँ बहुत परेशान कर रहा है तुम्हें। ब्यूटीफुल गुलाब। आज हमारी गुलाब की क्यारी की नराई कंप्लीट हो गई। पूरा यहाँ से वहाँ तक सब साफ हो गया। पूरी क्यारी हमारी साफ हो गई है, नराई कंप्लीट हो गई। ये देखिए गुलाब का साइज भी बढ़ने लगा है हमारा। गुलाब खिलने लगा है। बहुत बढ़िया शेड्स गुलाब के। पूरा काम कंप्लीट हो गया क्यारी का। ये कोको क्या कर रहा है, कमरे में आ रहा है जा रहा है बार बार। रूम में कौन था? कोको क्यों गए थे अंदर? क्या मिला रूम में? गुलाब की कलियां आने लगी हैं, थोड़ी धूप खिलने लगी है। धूप आ गई है इससे गुलाब भी खिलने लगे हैं। इनका साइज भी बढ़ गया है गुलाबों का। धूप से और इसमें गोबर की देसी खाद लगी हुई है यहाँ पर सब। और नराई का काम भी कंप्लीट हो गया पूरा ये यहाँ से यहाँ तक। मिट्टू हमारा जोड़ा लगा रहा है तोती से। मिट्टू हमारा जोड़ा लगा रहा है, अब अंडे हो जाएंगे। कितने अंडे लिए बैठी हुई हो तुम? इतने बहुत सारे अंडों पे बैठी हुई हो। कितने अंडे हैं तुम्हारे? नीचे तो बहुत सारे अंडे हैं, है ना बेबी? ये देखो सब मुर्गियों ने अंडे दिए और ये नीचे लेके बैठ गई। सबको सबके अंडे लेके बैठ गई। ये है हमारे छोटे वाले चूजे, देखिए कितने मुझसे हिले हुए हैं ये। और ये साथ में बिल्कुल ऐसे खा रहे हैं हमारे पास बैठ के, छोटे छोटे से चूजे। मैं इनके लिए पानी लाई हूँ मग्गे में भर के। इतने हिले हुए हैं क्योंकि मैंने इनको खिलाया है, बचपन से रखा है अच्छी तरह से। बिल्कुल मेरे क्लोज हैं ये, बिल्कुल पास में बैठे खा रहे हैं ये देखिए है। अब ये बड़े हो गए, छोटे चूजे हमारे बड़े हो गए हैं। छोटे छोटे से जो हमारी वीडियो में दिख रहे थे अब ये बड़े हो गए हैं। हमारे छोटे चूजे गेहूं खा रहे हैं या बाजरा खा रहे हैं। मैं इनको भी डालूंगी, ये मुर्गी आ गई है। ये देखिए हमारी मुर्गियों ने कितने बहुत से अंडे दिए हैं यहाँ पर। अंडे दे के सब चली गई हैं मुर्गियाँ हमारी। इसको अच्छा सा गोल शेप दे रहे हैं ये यशपाल बॉल का। इसकी ट्रिमिंग कर दे रहे हैं। हाँ कटिंग हाँ।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कंप्लीट हो गया, हो गया, दूसरा वाला कर लो। अच्छा सा शेप में रहेगा ना। शेप में रहता है तभी अच्छा लगता है। हाँ, केयर भी करना पड़ती है, शेप भी करना पड़ता है और क्या, कटिंग करना पड़ती है। कटिंग नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये हमारा लंदन फाइन है जी। जी हो गया। उसका देखो थोड़ा सा उसमें भी शेप देना है। कल नराई हुई थी ये सब हमारी रोज गार्डन की, आज पानी लगाया गया है सब इसमें। ये देखिए पानी दिया है अच्छी तरह से। सब पानी लगाया है। आप लोग कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए, आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और बताइए, तभी तो मैं कुछ चेंजेज लाना चाहूंगी उसके अंदर, कुछ बदलूं, तब्दीलियां लाऊं कुछ। शेप से अच्छा लगता है, खूबसूरत लगेंगे। सारी बॉले बन गई, बहुत अच्छा सा शेप आया है। अपनी साइड से इधर से दो थोड़ा सा, ये है ना बस ये वाला, ये हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। कटिंग का काम थोड़ा सा चल रहा है, भी थोड़ा शेप बढ़िया कर दो। सही ठीक है। हाँ हो गई शेप में, अभी हाँ हो जाएगा, बहुत अच्छा शेप में रहना चाहिए, अच्छा लगता है। आज हम कटवा रहे हैं हरी हरी मेथी, छोटी छोटी। अब ये मेथी थोड़ी इतनी बड़ी हुई है, मौसम अच्छा हुआ तब बड़ी है, वरना बढ़ नहीं रही थी मेथी हमारी। बहुत छोटी छोटी मेथी, अब धूप निकली है थोड़ा तो अब बढ़ना शुरू हुई है। ये पहली मेथी हमारी कट रही है। अब मेथी आलू की सब्जी बनवाएंगे आज, थोड़ा पालक डलवा के। मेथी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जाड़ों में मेथी खाना चाहिए। आलू मेथी या मेथी के पराठे सब बहुत फायदेमंद है। श्यामला लगे थे, उन्होंने नराई उराई कर दी थी इसकी, तो अब अच्छी हो गई, साफ हो गई। हाँ,
नराई उड़ाई करके गए सब, साफ सुथरा करके। बस ठीक है यशपाल, इतनी मेहनत बहुत है। हाँ थोड़ा पालक निकाल दो। ये है हमारी हरी हरी मेथी। हाँ हरी हरी मेथी, ताजा मेथी। हाँ इसमें पालक निकाल दो। हमारा पालक, पालक ताजा हरा, बहुत बढ़िया ताजी सब्जी साहब, खाते बहुत दिल खुश हो जाता है। हाँ स्वादिष्ट होती है, स्वादिष्ट होती घर की अच्छा, सब्जी देती खाद की, बहुत बढ़िया पालक है। छोटी पत्ती का पालक है जी, फट गया। हाँ पहली बार ही नराई उराई हो गई तो और बढ़ जाएगा। अब तो बढ़ जाएगा। ये श्यामला ला नहीं रहे थे इतने दिनों से सर्दी की वजह से, ठंड बहुत है, ठंड बहुत ही कर रहे थे, तो वो इस चक्कर में नराई थोड़ा रह गई, वरना और भर जाता पूरा। ये जंगली घास आ गई थी बीच में, उसने पालक को दबा लिया, अब नराई हुई है तो अब पालक बढ़ेगा। जंगली घास नहीं होना चाहिए, सब्जियों को दबा लेती है वो। घर का चिकना चिकना पालक बहुत अच्छा होता है। आधा किलो पालक के करीब दे देना। हाँ अब हम लोग गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, अब गर्मियों की सब सब्जियां लगेंगी। अब पालक तो परमानेंट ही होता है, अरबी लगेगी, भिंडी लगेगी, तुरई लौकी लगेगी, सब सब्जियां लगेंगी। श्याम लाल आएंगे तो लगाएंगे। खेत तो तैयार कर गए, सभी साफ सुथरा कर गए। इतना ही ठीक है श्याम यशपाल। हाँ बहुत बहुत है, ये अगली बार काटेंगे। हाँ थोड़ा ये रहा हमारा ताजा ताजा पालक, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। हाँ ठीक है, दियाना किचन में शलजम नहीं अभी चाहिए, शलजम जब किसी दिन पकवाएंगे तब निकाल के देना। हरा धनिया हाँ निकाल दो थोड़ा। हाँ एक साइड से हरा धनिया रख लेना। धनिया बहुत दूर बनाया है इन्होंने क्यारी, ताजा ताजा धनिया, तुम्हारा धनिया बहुत दूर लगा दिया इन्होंने। हाँ लास्ट में लगाया धनिया। हाँ धनिया जो है वो पालक में रखना, इसमें पता चल जाएगा उन्हें, इसमें धनिया रखा हुआ है और मेथी दोनों मिक्स ना हो जाए कहीं। अच्छे थोड़ी चटनी पिसवाएंगे। हाँ थोड़ा सा और दो, थोड़ी चटनी पिसवा लेंगे। चटनी अच्छी लगती है, ताज़ी ताज़ी चटनी से खाओ रोटी कितने मज़े की लगती है। एक रोटी बढ़ती खाएगा चटनी पिसी होती है। हाँ देसी चटनी। थोड़ी गोभी निकाल के ना मुर्गियों को डाल देना, मुर्गियाँ हरियाई चाह रही हैं, सब्जी आज डली नहीं है मुर्गियों को, थोड़ी गोभी डालना। बस अब ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा बहुत हो गया, निकाल दो थोड़ी सी, मुर्गियों को डल जाएगी वो भी। छोटे छोटे फूल हैं ये, सब खा लेंगी। सब
हाँ जी, मैं मुर्गियों के लिए निकलवा रही हूँ। थोड़े छुड़वा दिया थे मैंने ये गोभी मुर्गियों के लिए, क्योंकि घर में जानवर पालो तो उनका ख्याल भी रखना पड़ता है, हम ही थोड़ी खाएंगे, वो भी तो खाएंगे। मैंने फूल छुड़वा दिए थे, मैंने कहा खा लेंगे ये लोग, शौक से खाती हैं हरी भरी सब्जियाँ मुर्गी हमारी। कितनी हो गए, बहुत हो गए ये, इतने हैं, बहुत हो गए इतने। हाँ ये सब एक खेत के निकाल लो, बस इतने डालिया ना। ठीक है, ये दोनों डलिया ये बावर्ची खाने में किचन में दिया। ठीक है साहब, ऐसे पकड़ो ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी। मेथी प्लस हाँ, पालक। हाँ जाओ दिया, ये हमारे किचन गार्डन की तरफ गया रास्ता, ये यशपाल उधर देने जा रहे हैं। पाल दिया है सब्जियाँ बावर्ची खाने में, अब ये सब्जी जो है, हाँ ये मुर्गियों को खिलाओ, ले जाओ। हाँ दिया, खिलाई आओ सब। मुर्गियाँ भी खुश हो जाएंगी आज। ये हमारी मुर्गियों की साइड रास्ता जा रहा है, ये मुर्गियां हैं उधर, ये यशपाल मुर्गियों को लेके जा रहे हैं, सब सब्जियां खिलाएंगे मुर्गियों को। और ये हमारे बावर्ची खाने की तरफ रास्ता गया है इधर से किचन की तरफ, तो ये हमारा जो है ये करीब में हमारा हो गया किचन गार्डन। यहाँ से सब सब्जियां हमने निकाली और निकलवाई, और ये सब मेथी और पालक इधर लगा हुआ है। और ये रास्ता जो है हमारा जा रहा है किचन की तरफ, इधर से सब किचन की तरफ जाने का रास्ता, ये हमारी सब्जियाँ ये किचन की तरफ जाती हैं इधर से, ये सब देखे आए यशपाल।